पंचायत समिति सभागार में ग्राम जल एवं स्वच्छता जन जागरूक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जल जीवन योजना में पानी की स्कीम का ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी संचालन। जमारामगढ़ जयपुर पंचायत समिति सभागार जमारामगढ़ में शुक्रवार को जन जागरूकता अभियान के तहत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम जल एवं स्वच्छता एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में प्रधान रामफूल गुजर व अतिरिक्त विकास अधिकारी हरीश शर्मा मौजूद रहे। जल जीवन मिशन योजना जलदाय विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर बहादुर सिंह व एचआरडी हेड मनोज शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में विभाग घर घर नल पेयजल के लिए प्रति गांव एक स्कीम तैयार करके पंचायत को पेश करेगा। स्कीम को संचालित करने के लिए उसी गांव के नाम से 15 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। स्कीम के रखरखाव व बिजली के बिल व अन्य खर्च उपभोक्ताओं से लेकर समिति संचालन करेगी। घरों के नए कनेक्शन के समय समिति उपभोक्ताओं से 2250 रुपए अमानता राशि लेगी। उसके बाद समिति के सभी सदस्य तय करके उपभोक्ताओं के प्रति माह बिजली व अन्य खर्चों के लिए समिति द्वारा निर्धारित पैसे लेगी। समिति में सरपंच, पीएचईडी, कर्मचारी, प्रधान अध्यापक व गांव के लोग सदस्य रहेंगे। स्कीम की संपूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी। उधर सरपंचों ने स्कीम को संचालित करने के लिए सरकार से अलग बजट की मांग की है। दंताला मीणा सरपंच मुकेश मीणा के ने पंचायत मुख्यालय में निर्माणाधीन पानी की टंकी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि टंकी जमीन के लेवल से काफी नीचे है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा। सरपंच राजेंद्र बुनकर, राजेंद्र मीणा, बाबूलाल मीणा, ताराचंद मीणा व शंकर मीणा नौनपुरा ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग दोहरे मापदंड से काम करता है। शिविर में अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।